नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में चिराग पासवान की पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि भाजपा के साथ उनकी बातचीत के दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। पार्टी अलग अलग गठबंधनों का स्वरूप देख रही है और नेगोशिएशन लगातार जारी है। बिहार को लेकर समझौता नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक बात बार बार आ रही है कि चिराग पासवान की पार्टी अब किस गठबंधन का हिस्सा बनेगी। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को लेकर इशारा कर दिया कि उन्हें महागठबंधन से भी परहेज नहीं है, बस नीतीश कुमार से परहेज है, भाजपा या तेजस्वी यादव। जिसके साथ भी गठबंधन होगा उसके साथ अपनी शर्तों पर गठबंधन होगा। बिहार के विकास को लेकर जो विजन डॉक्यूमेंट चिराग पासवान ने बनाया है, उस विजन डॉक्यूमेंट के एक एक मुद्दे पर जो राजी होगा उसी के साथ गठबंधन होगा। चिराग पासवान ने हाजीपुर की सीट को लेकर भी नो कॉम्प्रोमाइज का क्लॉज डाल दिया है, जहां तेजस्वी यादव के लिए ये एक आसान शर्त हो सकती है, वहीं भाजपा के लिए ये बहुत टेढ़ी खीर है। पशुपति पारस, जिनकी पार्टी आरएलजेपी एनडीए का एक बड़ा हिस्सा है, केंद्र में वो मंत्री हैं, उनके विधायकों की सांसदों की संख्या अच्छी खासी है। ऐसे में पशुपति पारस की ही सीट है हाजीपुर, उस सीट को पशुपति पारस से लेकर चिराग पासवान को दे पाना भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल होगा। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि चिराग और पशुपति में से किसी एक को भाजपा को चुनना पड़े। भाजपा प्रयास तो बहुत कर रही है कि दोनों के बीच सामंजस्य बिठा ले, दोनों के बीच डिफरेंसेस सॉर्ट आउट कर ले, लेकिन ऐसी खबरें कई बार आ रही हैं कि चिराग इन चीज़ों से नाराज़ होकर एनडीए से बाहर आ सकते हैं या एनडीए के साथी के तौर पर काम नहीं करेंगे आगे। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी का और उनके बयानों का प्रतिकार करते हुए देवयानी मित्रा, जो कि पशुपति पारस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पार्टी की, उन्होंने ये दावा किया है कि चिराग पासवान जमुई की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि वो जमुई से हारने वाले हैं। वो बार बार हाजीपुर की बात इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हाजीपुर में एक अच्छा माहौल बनाकर रखा है पशुपति पारस ने, जो रामविलास पासवान का वोट है उसे बिखरने नहीं दिया पशुपति पारस ने, और काम अच्छा किया है उस पर जीतना आसान होगा उनको। शायद इसीलिए इस सीट को लेकर वो नो कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में हैं। देवयानी मित्रा ने इस बात का दावा करते हुए एक ऑफ़र दे दिया है। उन्होंने चिराग पासवान को यह ऑफ़र दिया है कि वो बिहार के किसी भी बड़े दल में अपनी पार्टी का विलय कर लें ताकि उनके साथ जो लोग हैं उनका कम से कम फायदा हो सके। चिराग पासवान का क्या होगा ये तो चुनाव में समझ में आ जाएगा, लेकिन उनके लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि वो अपनी पार्टी का विलय जल्द से जल्द बिहार के किसी दल में करा लें। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं देवयानी मित्रा। आजकल एलजेपीआर के पास कोई टॉपिक रह नहीं गया, क्योंकि उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुम गुमशुदा है। आजकल घूमने के लिए गया है, पता नहीं कहाँ गए हैं, भगवान ही जाने। तो उनके लिए गाना मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ, गुमशुदा मैं हूँ गुमशुदा। ये गाना आप लोग सुन लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि चिराग पासवान जी यही गाने गा रहे हैं। पता नहीं कौन से आपके पृथ्वी के कौन से कोने में है वो, जबकि बिहार में उनको राजनीति करना है। बिहार में बड़ा क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे फेमस है कि भाई नेक्स्ट सीएम, बेस्ट सीएम, कमिंग सीएम, फ्यूचर सीएम, वॉट एवर एक्स वाई जेड, लेकिन जनाब गायब है। और उनके पार्टी के लोग, चाहे उनके प्रदेश क्या कहते हैं अध्यक्ष हो या फिर उनके एक दो जो दो लोग जो बचे कुचे हैं उनके पार्टी में, वो लोग उलझुल बयानबाजी करते रहते हैं। भाई दो सवाल है आप लोगों से, जम्मूई के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, जम्मूई के बारे में दावेदारी क्यों नहीं है, हाजीपुर हाजीपुर कर रहे हैं, हाजीपुर से पहले बिहार के बारे में सोचते थे, अभी अचानक से हाजीपुर उठ के आ गए, बात करने के लिए कुछ बचा नहीं। जहाँ के सांसद है वहां पे जाते नहीं है, जिस मंत्री जी के अंदर में सांसद है उन्हीं के बारे में बुराई करते रहते हैं। भाई आपके आपके पूरी पार्टी का संस्कार क्या है, आधार क्या है, औरतों का असम्मान करना, बड़े बुजुर्गों के लिए उलझुल बातें करना, गंदी गंदी गालियां देना, और आपकी क्या कहते हैं ट्रोल करना, यही सब आप लोग जानते हैं। अगर काम नहीं करना है, राजनीति नहीं करना है, बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, किसी भी पार्टी में विलय कर जाइए। एक दो जो अच्छे लोग हैं उनका फ्यूचर बनेगा, चिराग जी का क्या, चिराग जी आराम से अपना कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। प्रॉपर्टी है उनके पास, 15 से 20 उनकी कंपनी है, कहीं ना कहीं वो सेट हो ही जाएंगे। तो ये सब चीजें अगर आपको करना नहीं है, अगर आपको राजनीति करना है, तो लेट्स टॉक लाइक अ पॉलिटिशियन, डेवलपमेंट की बात कीजिए। डेवलपमेंट के बात आप करते हैं
और गायब हो जाते हैं, और फिर आपकी पार्टी के नेता जो कुछ गिने चुने लोग आपके पार्टी में थोड़ी बहुत जो दिखने में ठीक ठाक है, बोल ठीक ठाक लेते हैं, वो उलझुलुल बातें आजकल करने लगते हैं। बड़ी दुख की बात है ये देख के कि चिराग जी आपकी पार्टी का आधार ही खत्म हो चुका है। जनाधार 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 बोलते बोलते आप अपने पार्टी का आधार खत्म करते, दावेदारी हाजीपुर की करते भैया, लड़िए जहां से लड़ना है लड़िए, लेकिन दावेदारी जम्मू की भी कीजिए, जम्मू के बारे में बात कीजिए। जो गाँव को आप लोग आपने गोद लिया था उस गाँव का तो कुछ भला कर नहीं पाए, तो हाजीपुर का भी आपने कौन सा भला करने के लिए आपकी पूरी पार्टी के लोग चिल्ला चिल्ला के तमाशा कर रहे हैं, ये जवाब आपको देना पड़ेगा आज नहीं तो कल। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।